और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे पैन पिज्ज़ा की रेसिपी। ये वाला पिज्ज़ा हम लोग अवन में बनाएंगे, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल बाज़ार वाला रहेगा। जो पिज्ज़ा हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं, वही स्टाइल का पैन पिज्ज़ा घर में बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के बहुत सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए मैंने एक बोल में पानी डाला है, ये गर्म पानी है। इसमें हम लोग चीनी डाल देंगे। आधा कप गर्म पानी में मैंने 1.5 चम्मच चीनी इस्तेमाल करी है। इसी के साथ में हम लोग इसमें यीस्ट डाल देंगे। ये रेसिपी हम लोग बाज़ार की स्टाइल में बना रहे, तो इसमें यीस्ट डालना ज़रूरी है, लेकिन इस रेसिपी में सिर्फ हम लोग 1/4 टीस्पून यीस्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी अभी हम लोग कोल्ड फर्मेंटेशन की तरीके से बना रहे हैं, जो बनाने में हम लोग को 24 घंटे लगेंगे। अगर आपको ये रेसिपी आज ही बनाकर आज ही खानी है, तो आपको 1.5 चम्मच यीस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए, और अगर आप कल खा सकते हो, मतलब नेक्स्ट डे खा सकते हो, तो आप 1/4 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट इसमें डाल दीजिए। यीस्ट को अच्छी तरह इसमें मिला दीजिए दोस्तों। यीस्ट मिलाने के बाद हम लोग इसमें बटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच बटर इस्तेमाल किया है, मतलब 1.5 बड़े चम्मच बटर। उसी के साथ में मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो आप पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों को एक बार मिला देते हैं, और फिर हम लोग इसमें डाल देते हैं मैदा। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा इस्तेमाल किया है। अब धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेते हैं। इसका हम लोग को एकदम नरम आटा बनाना है। एक चीज़ तो मैं डालना भूल ही गया, इनफैक्ट दो चीज़ डालना भूल गया दोस्तों। हम लोग को इसमें गार्लिक डालना पड़ेगा, मतलब लहसुन डालना पड़ेगा, क्योंकि बिना लहसुन के इसमें फ्लेवर नहीं आएगा बाज़ार वाला। मैंने यहाँ पर गार्लिक का पाउडर इस्तेमाल किया है, तो ये 1/2 चम्मच लहसुन पाउडर है। अगर आप फ्रेश गार्लिक इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उसे काट कर डाल सकते हो। साथ ही में मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया। अब हम लोग इसका एकदम नरम आटा बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर। आटा तो बन गया है। अब मैं इसको एक परात में डालकर इसको अच्छी तरह मलार दूंगा, मतलब इसको अच्छी तरह नीड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर नीड नहीं करेंगे, तो ग्लूटन डेवलप नहीं होगा। अगर ग्लूटन डेवलप नहीं होगा, तो हम लोग का आटा प्रूव नहीं होगा, मतलब फर्मेंट नहीं होगा। तो इसको आपको बिल्कुल 15 मिनट तक कंटिन्यू ऐसे मथना है। 15 मिनट तक नीड करने के बाद आप देखोगे कैसे ये एकदम गीला चिपचिपा पेस्ट जैसा आटा, एकदम नॉर्मल आटा जैसा होने लग जाएगा, मतलब बिल्कुल कम चिपचिपा हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत फिर भी चिपक रहा हो, तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल सकते हो। हम लोग का आटा बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आटे को एक डाल देंगे बॉक्स में। एयरटाइट बॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि हम लोग का आटा सूखे ना। ये डिब्बे में भी मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है, ताकि चिपके ना इसमें। आटा डालने के बाद हम लोग ढक्कन लगा देंगे। आप देख सकते हो मैंने ये डिब्बे में मार्किंग भी करी है, कहाँ पर हम लोग का आटा है। ये आटा डबल हो जाना चाहिए नेक्स्ट दिन तक, मतलब 24 घंटे में ये आटा डबल हो जाएगा। हम लोग इसको अब फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना है दोस्तों, जहाँ पर आप सब्जियाँ रखते हो, वहाँ पर रखना है। दूसरा दिन है अभी, और आप देख सकते हो हम लोग का आटा अभी डबल लग रहा है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ और आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, हम लोग का आटा बिल्कुल डबल हो चुका है, एकदम बढ़िया लग रहा है। इसको मैं निकाल लेता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। ध्यान से निकालिएगा दोस्तों, आटा बहुत ही अच्छी तरह फर्मेंट हुआ है। हम लोग को इसका फर्मेंटेशन नहीं निकालना है अभी। थोड़ा बहुत मैंने इसको दबा दिया है। अब मैं इसको एक बार कोने में रख देता हूँ। और मेरे पास यहाँ पर एक पिज्ज़ा की ट्रे है, इसको पिज्ज़ा पैन भी बोलते हैं। ये 28 सेंटीमीटर साइज़ वाला है। इसमें मैं बटर लगा दूंगा 3 से 4 बड़े चम्मच। अगर बाज़ार वाला टेस्ट, मतलब पैन पिज्ज़ा वाला टेस्ट चाहिए, तो आपको इसमें बटर लगाना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल पिज्ज़ा बनाना है, तो आप इसमें सूखा मैदा या फिर सूखी सूजी छिड़क सकते हो। बटर अच्छी तरह फैलाने के बाद हम लोग इसमें हम लोग का आटा फैला देंगे। मैं अभी ये स्टेप के लिए अपनी उंगलियाँ ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम लोग का आटा इतना अच्छी तरह फर्मेंट हुआ, एकदम चिकना था हम लोग का आटा, उसी रीज़न की वजह से ये एकदम आसानी से फैल जाएगा। ये देखिए, मैंने आटे को एकदम अच्छी तरह फैला दिया है, इसमें एकदम बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग इसके ऊपर छेद बना देंगे, ताकि ये अवन में फूल ना जाए। तो मैंने कांटे से इसमें बहुत सारे छेद बना दिए हैं दोस्तों। लास्ट टाइम जैसे मैंने बर्गर की रेसिपी में
वीवा ब्रांड का मेयोनीज यूज़ किया था, वैसे ही आज भी मैं वीवा ब्रांड का ही पास्ता एंड पिज्ज़ा सॉस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है। बढ़िया बात क्या है दोस्तों कि वीवा वालों ने इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हर्ब्स डाले हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। तो ये जो पिज्ज़ा सॉस है वीवा वाली, इसको हम लोग अच्छी तरह फैला देंगे। सॉस को फैलाने के बाद हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करी है। अब चीज़ के ऊपर तो दोस्तों आपकी कलाकारी है, आप क्या यूज़ करना चाहो। वैसे तो तीन मेन कलर्स होते हैं जो बहुत ही बढ़िया लगते हैं कोई भी पिज्ज़ा में, जो कि है रेड कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। तो मैंने लिया है टमाटर, प्याज, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, थोड़ा बहुत ब्लैक ऑलिव्स और मकई यानी स्वीट कॉर्न। आप इसमें कोई भी मीट या फिर पनीर भी डाल सकते हो। ये तैयार है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और चीज़ डाल देता हूँ। अब ये बेक करने के लिए तैयार है। दोस्तों मेरा जो ओवन है मैंने उसको पहले से ही गर्म करके रखा था, दोनों रॉड्स ऑन थे उसके, मतलब ऊपर का रॉड भी नीचे का रॉड भी, 20 मिनट तक गर्म किया था और टेम्परेचर था 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छी तरह गर्म होने के बाद ओवन में हम लोग डाल देंगे हम लोग का पिज्ज़ा और इसको बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। हर ओवन डिफरेंट होता है दोस्तों, मतलब बाज़ार वाला ओवन अलग होता है, घर में हम लोग जो ओवन यूज़ करते हैं वो अलग होता है, OTG अलग होता है, माइक्रोवेव अलग होता है। तो आप इसमें 10 मिनट के बाद देखते रहिएगा कि आपका पिज्ज़ा कैसे पक रहा है। देखने में एकदम झकास लग रहा है कि नहीं दोस्तों? बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग का पिज्ज़ा तैयार है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये देख के मानना पड़ेगा आपको, लग रहा है कि ये घर में बना है? नहीं ना, जब हम लोग बाज़ार में पिज्ज़ा खाते तो वो 30 मिनट बाद आता है, लेकिन जब हम लोग घर में बनाते हैं तो वो रह नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से खाइएगा। मैंने इसको एक पिज्ज़ा कटर से काट लिया है। हम लोग का घर में बना हुआ बाज़ार जैसा पैन पिज्ज़ा बिल्कुल तैयार है। ये जो टेक्सचर है ना दोस्तों हम लोग के पिज्ज़ा का, और जो सॉफ्टनेस है और जो टेस्ट है, एकदम सेम बाज़ार वाला। ये सिर्फ आपको 24 घंटे वाले फर्मेंटेशन में ही मिलेगा, मतलब जो आप फ्रिज में रखोगे ना 24 घंटे के लिए, वो ही स्टेप से मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो आपको 24 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, या फिर आप इसको एक घंटे में भी बना सकते हो अगर आप इसकी यीस्ट की क्वांटिटी बढ़ा दो तो। वैसे आपको तो पता ही होगा बाज़ार वालों का आटा फ्रिज में आता है, मतलब एक जगह बनता है आटा और सब जगह फैलता है वो आटा। जो भी हो दोस्तों, ट्राई ज़रूर करना है ये रेसिपी को। आप एक बार इसको ट्राई कर लोगे तो फिर बाज़ार का खाना बिल्कुल भूल जाओगे। तो ट्राई करिए, मुझे बताइए कि कैसा लगा। मेरा तो भैया फेवरेट है, आप जब ट्राई करोगे आपका भी हो जाएगा। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उसको क्लिक करना, उसके बगल में फिर एक घंटी आ जाएगी, उसको भी एक बार टंग कर देना। उससे क्या होगा, आपके फ़ोन में घंटी बजेगी जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ। मिलता हूँ आपको जल्दी, बाय बाय। अरे हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम में मेरे को ज़रूर फॉलो करना, cooking.shooking मेरी ID है, वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स डालूँगा। बाय बाय।